नमक्स का क्या आने वाला एपिसोड में आपको काफ़ी बड़े और शॉकिंग ट्विस्ट देखने को मिलेंगे, जहां एक तरफ एक चिट्ठी के जरिए कहानी के सामने आएगी युग के पिता की असलियत, वहीं दूसरी तरफ कहानी कर बैठेगी काफ़ी बड़ा गलत फैसला। जी हां, दरअसल यहां पर आप देखेंगे कहानी को उस बॉक्स के अंदर इरावती की फ़ोटो के साथ अपनी बहन सत्या की फ़ोटो भी मिलती है। लेकिन इतना ही नहीं, इसी के बाद यहां पर कहानी को युग के पिता निशिकांत राजपूत की चिट्ठी मिलती है, जो कि उन्होंने कहानी के पिता रविकांत वर्मा के लिए उनका फर्ज याद दिलाने के लिए लिखी होती है। वो चिट्ठी में रविकांत को इरावती जैसी नचनिया से बचने की सलाह देते हैं और अपने परिवार और अपने बच्चों को ना छोड़ने की सलाह देते हैं। वहीं सारी बातें पढ़कर कहानी को यकीन हो जाता है कि इरावती ने सभी घर वालों से झूठ बोला है, युग के पिता ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, वो किसी भी नाचने वाली के लिए युग बाबू और उनके परिवार को छोड़ कर नहीं गए थे और अब यही असलियत उसे युग बाबू को बतानी है। लेकिन इसी के बाद यहाँ पर कहानी फैसला करती है कि वो युग बाबू से बाद में मिलेगी, पहले वो रूपा दीदी से मिलने जाएगी। रूपा दीदी ने उसे मैसेज करके बुलाया है, उनसे मिलना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर कहानी यही सबसे बड़ी गलती करती है, क्योंकि उसे मैसेज रूपा ने नहीं बल्कि रौनक ने क्या होता है, रौनक ने रूपा के फ़ोन से कहानी को मिलने को बुलाया होता है। अब ऐसे में देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि कहानी का ये गलत फैसला, कहानी की ये गलती उस पर कितनी भारी पड़ेगी, अब देखना दिलचस्प होगा। सीएल नमक इसका जुड़ा से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें।